मन की बात के 100वें एपिसोड में आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो मन की बात का 100वां एपिसोड है, वह इस देश के 140 करोड़ लोगों की भावनाओं का, अब तो 150 करोड़ से अधिक लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंबित करता है। और मैं भी सौभाग्यशाली हूँ कि पहले एपिसोड से लेकर के 100वें एपिसोड तक मैं भी सुनने का मौका पाया हूँ। और आज जिस प्रकार से 100वें एपिसोड को देश भर में करोड़ों करोड़ लोग सुन रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी जो संगठन है उसके माध्यम से प्रत्येक बूथ पर 100 से अधिक की संख्या में मन की बात सुनने वाले श्रोताओं के साथ बैठे हुए हैं। और उत्तर प्रदेश में तो नगर निकाय चुनाव चल रहा है, लेकिन बाकी हिंदुस्तान में और अलग अलग प्रकार की योजनाएं चल रही, स्थितियां चल रही हैं। लेकिन आज मैं यह जरूर कि भगवान इंद्रदेव जी भी 100वें एपिसोड पे ऐसे प्रसन्न है कि उन्होंने जल वृष्टि करके और इसको सफल बनाने का। प्रधानमंत्री जी ने इसे कहा है कि ये 9 वर्षों की जो 99 एपिसोड हुए और ये 100वां एपिसोड हुआ, ये उनकी आध्यात्मिक यात्रा के रूप में है। निश्चित तौर से ये बहुत बड़ी बात है। मन की बात को वह पूजा समझते हैं, आध्यात्मिक यात्रा समझते हैं। अनेक जन कल्याण के, राष्ट्र कल्याण के, समाज कल्याण के आंदोलनों की शुरुआत का माध्यम मानते हैं। तो यह अपने आप में नो डाउट ये ऐसा कार्यक्रम हिंदुस्तान में कोई देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा बिना कोई कट किए लगातार करना, ये असाधारण है। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का तो आभार प्रकट करूंगा ही, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को इसके लिए बहुत शुक्रिया। उन्होंने ये कहा है कि ये पूजा की थाल की तरह हमारे लिए, व्रत का जिस तरह से पूजा की थाल होती है उसी तरह मन की बात का कार्यक्रम था। और उन्होंने तमाम हीरोज जो थे 99 एपिसोड में, उन हीरोज से एक बार फिर से यादें ताजा की, संबोधित किया। 20 मिनट में इतने उन्होंने मतलब मन की बात के माध्यम से विषय निकाले हैं, इतने आंदोलन निकाले हैं, इतने उद्योग निकाले हैं, इतने पर्यटन के क्षेत्र को उभारने का काम किया है कि जिनका वर्णन 30 मिनट में हो ही नहीं सकता, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था। तो यह अपने आप में अद्भुत है और इसकी जितनी प्रशंसा की जाएगी वो कम होगा। और हर देशवासी को लगता है कि प्रधानमंत्री जी मेरे मन की बात जो है, मेरे मन की पीड़ा जो है, मेरी जो समस्या है उसको सबसे बड़े मंच से उभारने का उसको उल्लेखित कर। केजरीवाल से जब सवाल होता है तो टाइम्स नाउ नवभारत की रिपोर्ट से उसकी उनके बाउंसर मारपीट करते हैं, इसे कैसे देखते हैं, सवाल पूछने पर मारपीट? देखिए, ये सब लोग राजनीतिक दृष्टि से जिनको कहूँ वनवास की तैयारी में हैं और ये उनका फ्रस्ट्रेशन है, अगर इस प्रकार से व्यवहार करते हैं तो इसको मैं बहुत गलत मानता हूँ। मीडिया के मित्र हैं, उनके साथ बात अच्छे से करना चाहिए। कल हमने देखा कि मजबूत पैरवी के चलते मुख्तार अंसारी पर फैसला आया, अफजल को सजा हुई। नहीं, निश्चित तौर से जब मजबूत पैरवी होगी तो सजा होगी और वह शुरुआत हो चुकी है। जो भी अपराधी हैं उनके खिलाफ तो पैरवी हो रही है, बाकी कोई इस दिशा में जाने के बारे में सोचते हैं तो वह अपराध का रास्ता छोड़ करके रोजगार का रास्ता सोचें। धन्यवाद। थैंक यू।